नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में पहुंच रही है। वहीं आज आप पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। श्रीनगर में आज जन सम्मेलन के दौरान स्थानीय गोला पार्क में जनता को संबोधित करते हुए रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को एक डूबता हुआ जहाज बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस डूबते हुए जहाज को आम आदमी पार्टी की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने जनता से आप पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही इस दौरान उन्होंने नागालैंड में शहीद हुए टिहरी के गौतम लाल की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि शहीद गौतम उनके यूथ फाउंडेशन में ट्रेनिंग पाकर आर्मी का हिस्सा बने थे। साथ ही उन्होंने इस मौके पर सभा में मौजूद लोगों से सहयोग की अपील करते हुए प्रदेश में निष्पक्ष होकर आपका साथ देने की बात कही। अगर श्रीनगर में कोई मंत्री रहा हो या श्रीनगर से कोई विधायक रहा हो या श्रीनगर के पुराने कोई कांग्रेस के अगर आज सीनियर मोस्ट बन रखे हो, उससे ना फ़र्क नहीं पड़ता है। बात है कि जनता क्या लेके चल रही है, और जनता की आवाज़ के सामने तो कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आती। आज जनता ये देख रही है कि क्योंकि हम लोग हताश हैं तो हमें वाकई में विकल्प देखने की ज़रूरत है, और विकल्प के तौर पर जब जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उन सारे मॉडलों को कामयाब बनाया जो कि आज उत्तराखंड की ज़रूरत है, तो काफ़ी देखो देशभक्ति में तो शहीद तो शायद हम भी होते ज़रूर, परिवार में तो बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन देश जो है ना इंडियन आर्मी वो तो अपने शहीदों को बहुत अच्छे तरीके से देखती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर ये शहीद हुआ है हमारे यूथ फाउंडेशन से नहीं, अपनी काबिलियत से ट्रेन हुआ हुआ लड़का, तो ये तो ना हौसला बढ़ाएगा और लोगों का वो कैसे इंडियन आर्मी में जाए। ये जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने जनसभा के साथ साथ बाइक रैली में भी शामिल हुए और जनता के साथ मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भी कटाक्ष जो मारी है कि जो बारिश वाला ऐप था वो काम नहीं आया, और उन्होंने कहा कि अब भाजपा के नेता अब देहरादून में आए और यहाँ की जनता को बोली भाषा से लोगों को अपना 2022 का चुनाव को लेके वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। तो लेकिन हमारी उत्तराखंड की जनता इस बार भाजपा को वोट नहीं देगी तो वोट आम आदमी पार्टी को, न कांग्रेस को देगी तो वोट आम आदमी पार्टी को। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी का ग्राफ जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कारण क्या है, क्योंकि अजय कर्नल कोठियाल जो कि स्वयं खुद मैदान में कूद चुके हैं, और यहाँ की बात करें श्रीनगर विधानसभा की तो यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोठियाल भी मैदान में है और वर्तमान के विधायक धन सिंह रावत जो कि कैबिनेट मंत्री है। तो अब ये 2022 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन इस पर श्रीनगर विधानसभा पे बाजी मार पाएगा या आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का प्रत्याशी जीत पाएगा। लेकिन लगातार यहाँ पे भाजपा का भी रैलियाँ हो रही है, तमाम सभी हो रही है, कांग्रेस की भी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अब की बार 2022 में श्रीनगर का ताज किसके सर पर सजेगा। आम आदमी पार्टी के दावेदार गजेंद्र चौहान जो कि कहते हैं कि हम दिल्ली जैसा मॉडल श्रीनगर विधानसभा में भी देखना चाहते हैं। न्यूज 31 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।